नमस्कार साथियों, बाउंड टू एडुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग जेटेट प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2016 6 टू 8 के लिए पूछा गया था। हालांकि आप अगर प्राइमरी का अर्थात कि पेपर वन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत अधिक लाभदायक होगा, क्योंकि जेटेट में दोनों ही पेपर के लिए, पेपर वन और पेपर टू दोनों ही पेपर के लिए लगभग लगभग सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है और क्वेश्चन भी सेम ही लेवल का पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले 2016 में जो लेवल था वो बहुत ही आसान था, हो सकता है इस बार थोड़ा सा हार्ड कर दे क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपको एक प्रकार से इसका पैटर्न पता चल जाएगा कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। तो क्वेश्चन नंबर वन में दिया गया है 9 + 10 प्लस ऐसे करके 21 तक प्लस करना है, फिर उसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 9 + 10 + 11 इस प्रकार से 21 तक हम लोग को जाना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ये सीरीज चूँकि छोटा है, अधिक लंबा नहीं है, तो आप सिंपली इसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 a + l। ठीक है, यहाँ a के जगह आप f भी लिख सकते हैं, फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आसानी से आप लोग बना सकते हैं n अर्थात कि नंबर कितना हम लोग को टोटल 9, 10, 11 ऐसे करके अगर 21 तक हम लोग देखेंगे तो 13 नंबर है टोटल, डिवाइड करेंगे 2 से। जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है, 9 है, लास्ट नंबर कौन सा है, 21 है। ठीक है, तो 13 / 2, 9 और इसको प्लस करेंगे तो 30, इसको काटेंगे तो 15, इसको इंटू करेंगे 13 × 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 195 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 195 आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सीरीज़ दिया गया है, सक्सेसिव सीरीज़ का क्वेश्चन एक या दो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। कुछ कुछ फॉर्मूलाज है आप याद रखेंगे उन सबको। ठीक है, तो n/2 इसका फॉर्मूला है जोड़ने का, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन है, आप सिंपली इसे ऐड करके भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं 2000 दे दिया गया, 2100 दे दिया गया, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बहुत अधिक लाभदायक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। इस प्रकार से दो आपको फिगर दिए गए हैं जिसमें से कुछ छायांकित भाग है, इन दोनों को ऐड करके बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर टू का आंसर क्या होगा। अगर आप मेरे से पहले बना लेते हैं तो कमेंट में कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं इस फिगर में छायांकित भाग कितना है। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि छायांकित भाग 1, 2, 3, 4 है छायांकित भाग, और टोटल भाग है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 भाग है और छायांकित भाग है 4, तो इसमें 4/8 हो जाएगा। प्लस इसमें हम लोग देखते हैं 2 छायांकित भाग है, टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 भाग छायांकित है टोटल भाग में 6, इसको काटेंगे 1/2 होगा, इसको काटेंगे 1/3 होगा। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा ऊपर में 5/6, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/6। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें छायांकित भाग को आपको देखना था, टोटल 4 छायांकित भाग है और टोटल जो बॉक्स का संख्या है वो 8 है, इसमें 2 छायांकित भाग है, टोटल बॉक्स की संख्या अगर देखेंगे तो 6 है, इसको काटेंगे और प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक फिगर दिया गया है, ठीक है, ट्राइंगल का, इसमें आपको बताना है कि कितने ट्राइंगल है। आप आराम से इसको गिन लीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ, डी होगा, टोटल 10 ट्राइंगल है, इसको आप गिन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रदत्त PQ पैरेलल है RS के, यहाँ पे दिया गया है PQ जो रेखा है वो पैरेलल है RS के, QPT अर्थात कि QPT जो एंगल है वो 115 है, उसके बाद PTR ये एंगल है 20 डिग्री का, तो बताना है SRT इस एंगल का मान आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ये एंगल हम लोग को दिया गया है क्यू पी आर, ये एंगल दिया गया है 115 और ये एंगल दिया गया है 20, और दिया गया है ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल होता है तो एंगल एस आर टी, ये एंगल हो जाएगा एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी टी आर, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये, जो कि दोनों पैरेलल है तो ये जो एंगल है ये दोनों एंगल का एडिशन हो जाता है। तो ये 115 प्लस 20, 135 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 135 देखते हैं कहाँ है, 135 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, इसके अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है, उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पाँच नंबर क्वेश्चन पहले आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इस प्रकार के ट्रिकी वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक वृत्त है, वृत्त का त्रिज्या दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर, और कहा गया है इसके अंतर्गत, इसे याद रखेंगे, इसके अंतर्गत कहा गया है, मतलब जो वर्ग बनेगा उसके अंदर बनेगा, ठीक है। एक वर्ग बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार के, मान लेते हैं इस प्रकार से हम लोग वर्ग एक बना लेते हैं, इस प्रकार का एक वर्ग है, ठीक है। तो ये जो त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर का दिया गया है, क्योंकि ये वृत्त का त्रिज्या है, उसके अंतर्गत हम लोग एक वर्ग बना लिए, इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये एक वर्ग बना है, तो इसी वर्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ये हम लोग जानते हैं बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो इसका व्यास जा रहा है, ये व्यास वर्ग का हम लोग देख पा रहे हैं, वर्ग का जो विकर्ण है, वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। और वृत्त का त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, मतलब व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर आर दिया गया है 5 सेंटीमीटर तो वृत्त का जो व्यास हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है √2a, और वृत्त का व्यास हो गया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से a निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 10/√2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। एक वृत्त दिया गया है जिसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, उसी के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया है, ठीक है। और हम लोग देख पा रहे हैं जो वृत्त का व्यास है वही वर्ग का विकर्ण है, और हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, तो √2a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 10 क्यों, वृत्त का व्यास 10 है हम लोग का, क्योंकि आर अगर 5 है तो डी 10 हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 10/2 √2, ठीक है। तो वहीं से क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है तो 10/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे 100, इसको स्क्वायर करेंगे 2, इसको काटेंगे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। छोटा मोटा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, फिर उनका विकर्ण क्या होता है, इन सब छोटे छोटे फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को स्किप करता हूँ और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और खुद से बनाने का कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, किसी विद्यालय के 10 शिक्षकों की उम्र वर्षों में दिया गया है, 23 वर्ष, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40 है। शिक्षकों के उम्र का परास निकालना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से है, चलिए इसको बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स।
तो याद रखेंगे परास का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, परास का फॉर्मूला होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, ठीक है, उच्चतम सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात कि जो भी आंकड़े दिए रहेंगे उससे सबसे बड़ा जो आंकड़ा रहेगा उसका माइनस सबसे निम्न अर्थात कि सबसे छोटा जो संख्या रहेगा उसका माइनस करना है। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा जो है वो 54 है और सबसे छोटा हम लोग देखते हैं 23 है। तो 54 माइनस 23 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 13 तो 31 हो जाएगा। तो 31 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 31 ऑप्शन बी में है, तो याद रखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन था, परास का मतलब याद रखेंगे उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात कि सबसे बड़ा संख्या जो होता है माइनस सबसे छोटा संख्या जो होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या है 54, सबसे छोटा संख्या है 23, उनको घटा देंगे तो 31 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे पास 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात इस प्रकार से दिया गया है। कुल रकम जो है वो 210 है, तो आपको बताना है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें दिया गया है 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के का जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 2.5, 3 और 4, ये अनुपात दिया गया है और कुल रकम दिया गया है 210, ठीक है। टोटल जो हम लोग का सभी सिक्कों को मिलाकर पैसा हो रहा है वो 210 रुपये हो रहे हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया है, इसको x लिख देंगे 3x प्लस 4x, टोटल जो हम लोग का दिया गया है रुपया 210 है, ठीक है। हम लोग देखते हैं ये तो 1 रुपया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 पैसा है अर्थात 2 से डिवाइड करेंगे, ये 25 पैसा है अर्थात कि 4 से डिवाइड करेंगे तभी 1 रुपया के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको पॉइंट को हटाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको काट देंगे 5 5 25, 5 2 10, ठीक है, ये 4 4 कट जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर में आ जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 210। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 5 5 5 10 x इज इक्वल टू, इसको ऊपर इधर ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 2 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 42, ठीक है। आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपया हम लोगों ने देखा 2.5x है, तो 2.5 से इंटू कर देंगे 42 को, तो आ जाएगा 42 को इंटू करेंगे 2.5 से, 5 2 0 हासिल 1 20, 4 5 20 और 1 21 इंटू 4 8 0, 4 1 5 8 9 10, ठीक है, तो 105 इसका आंसर आ जाएगा, पॉइंट कट जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 105 कहाँ है, 105 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग को दिया गया था 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, तो इसको अनुपात में दिया गया था, इसको अनुपात में हम लोग x मान लिए, ठीक है, x मान लिए, तो टोटल जो हम लोग का दिया गया था रकम 210 है, तो टोटल प्लस कर देंगे 210, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 42 और हम लोग को पूछा गया है 1 रुपये के सिक्के, तो 1 रुपये के सिक्के हम लोगों ने क्या माना था 2.5x, तो 2.5 को इंटू कर देंगे 42 से, 42 2.5 को इंटू करेंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 2 10 हाथ में 1, 5 4 20 और 1 21 इंटू 4 8 0 5 और 10, तो 105 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं का योगफल 80 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने, अच्छा पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 5 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का योगफल बताना है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल दिया गया है 80,
उसमें से दिया गया है कि पहली संख्या की तीन गुनी दूसरी संख्या के पाँच गुनी के बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अच्छा गुणनफल निकालना है, योगफल नहीं बल्कि गुणनफल निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए और बताइए उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दो संख्याओं का योगफल 80 है। तो पहला संख्या हो जाएगा, मान लेते हैं पहला संख्या अगर x है तो दूसरा संख्या हो जाएगा 80 दिया गया है दोनों का योगफल, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गया है, पहली संख्या का तीन गुना दूसरी संख्या के पाँच गुने के बराबर है। ठीक है, तो पहली संख्या का तीन गुना दूसरी संख्या के पाँच गुने के बराबर है तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 400 माइनस 5x, इसको इधर ले आएंगे 8x इज इक्वल टू 400, ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 × 5 = 40, 50। इतना दूर आपको समझ में आ गया। अब हमें पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो पहला संख्या अगर 50 होगा, पहला संख्या अगर हो जाएगा x इज इक्वल टू 50, दूसरा संख्या 80 माइनस एक्स, तो 50 माइनस 80 माइनस 50 30 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे, 50 × 30 इज इक्वल टू 5 × 15 1500 आपका आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, सबसे पहले हमें दिया गया था कि एक संख्या दो संख्याओं का योगफल 80 था, तो पहला संख्या x है, हम लोगों ने माना पहला संख्या x है, तो दूसरा संख्या 80 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें दिया गया था यदि पहली संख्या का तीन गुना दूसरी संख्या के पाँच गुने के बराबर है, पहली संख्या का तीन गुना दूसरी संख्या के पाँच गुने के बराबर है, तो आपको दोनों ही संख्याओं का गुणनफल निकालना था। तो हम लोग जिस प्रकार क्वेश्चन में दिया गया था उस प्रकार निकाले, x का वैल्यू निकाले हम लोग, फिर उसमें से हम लोग को पहला संख्या मिला जो कि x माने थे 50, ठीक है, दूसरा संख्या आ गया 80 माइनस एक्स 30, दोनों को इंटू कर दिए तो आया 1500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 30 मीटर लंबाई, 24 मीटर चौड़ाई, 18 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो इस प्रकार से है, हमें दिया गया है लंबाई जो है वो दिया गया है 30 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 24 मीटर और ऊंचाई दिया गया है 18 मीटर, ठीक है। तो अभी ऐसा बात है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है अर्थात कि घनाभ का बात किया जा रहा है। इसमें पूछा गया है कि इसमें रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो सबसे लंबा खंभा कब होगा, जब उसका विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि अगर आप घनाभ को देखते हैं इस प्रकार का घनाभ रहता है, ठीक है, इस प्रकार का घनाभ रहता है, और तो घनाभ में सबसे लंबा हम लोग कब रख सकते हैं, जब उसका ये इस प्रकार से रख सकते हैं, जब उनका विकर्ण निकालते हैं हम लोग घनाभ का, तो उसी विकर्ण को निकालना है। तो घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू होता है, याद रखेंगे, घनाभ का विकर्ण इज इक्वल टू होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये विकर्ण होता है। अगर आप विकर्ण निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस कमरे में कितने बड़े अर्थात कि कितने लंबे खंभे को रखा जा सकता है। तो इसको विकर्ण निकालने के लिए हम लोग सिंपली एल स्क्वायर अर्थात कि 30 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर अर्थात कि 24 का स्क्वायर करेंगे और एच स्क्वायर अर्थात कि कितना दिया गया है 18 का स्क्वायर करेंगे। तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 9 = 900, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 × 24 = 576, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 18 × 18 करेंगे तो हो जाएगा इसके स्क्वायर 324, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 × 4 = 10, 0 हासिल 1, 7 × 8 = 9 = 10 और 5 × 9 = 18,
1800 इसका आंसर आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 900, और 900 को हम लोग लिख सकते हैं अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 30 लिख सकते हैं, और 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा, मीटर में दिया गया है तो ये मीटर हो जाएगा 30√2। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया था। हम लोग जानते हैं घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सबको पुट कर देंगे निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30√2। ठीक है, तो 30√2 देखते हैं ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण थे और सभी प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन थे, तो इन सभी ही क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें। अगर आप झारखंड से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्षेत्रीय लैंग्वेज के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप होंगे, चाहे आप व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि इसका लाभ हर किसी को मिले। धन्यवाद, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।